प्रति उसका अन्याय हुआ उस पर भी चुप बैठ जाए। जैसे आप कोलकाता पे अखिलेश यादव, नहीं मैं कलकत्ता बोलता हूँ उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं कब चुप बैठा हूँ? सर मेरा आपसे ये सवाल है कि कांग्रेस के ही नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि एंजॉय इट, रेप इज इनविटेबल, तो आप उसे एंजॉय क्यों नहीं करते? ऐसे अगर आप बयान देंगे तो आपको क्या लगता है आप हमारी इस तरीके से प्रोटेक्शन करेंगे? तो भाजपा में और आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, इसलिए बेटियों का दर्द, महिलाओं का दर्द भाजपा और आरएसएस में नहीं, तो क्या है आप बताइए। जय हिंद दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। चुप हो जाते हैं मणिपुर की घटना पे, फिर वही चिल्लाने से कुछ, यही तो दिक्कत है। अगर अखिलेश यादव ने नहीं बोला तो नहीं बोला। अखिलेश यादव जी ने, एक स्टूडेंट ने सवाल किया रेप के मुद्दे पे, हमारा बीजेपी का प्रवक्ता है ना किसी और मुद्दा पे वो उलझा रहा है और उसके सही जवाब नहीं दे पा रहा है, और बाद में क्या होता है आगे चलिए देखते हैं। मेरा सवाल आप सबसे है कि किसी बेटी का रेप होना एक पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है, लेकिन इसको जब बात छेड़ती तो आप बिहार, बंगाल या कोई भी स्टेट क्यों नहीं आते, क्यों नहीं एक आवाज बन के न्याय दिलाने के लिए बोलते? सही बात, सही बात। मेरा सवाल है कि आप लोग बोलते हो कि फांसी दे देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए उस लड़की के, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, जो भी रेपिस्ट होगा उसको फांसी होना चाहिए। जिस तरीके से टॉर्चर करें ना आप, उसको उसी दर्द में दे जिस लड़की ने वो सहा है, क्यों नहीं करते आप? आप बहुत भावुक हो रही हैं, आप भी नर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं। मैम एज अ नर्स भी, अगर यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर के लिए या फिर नर्स के लिए नहीं, बहुत सारी लड़कियों का रेप होता है, तब क्यों नहीं होता ये चीजें? अलग अलग समाजवादी के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी लड़ाई करते हैं, टाइम वेस्ट होता है, चले जाते हैं, कोई सॉल्यूशन। सही बात बोला, पार्टी पार्टी में लड़ते हैं और हमारा जो मुद्दा रहता है मुद्दा पे बात नहीं करते हैं और इधर उधर का बात कर और निकल जाते हैं, डिबेट ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे बयान देते हैं कि enjoy it, rape is inevitable, तो आप उसे enjoy क्यों नहीं करते? ऐसे अगर आप बयान देंगे तो आपको क्या लगता है आप हमारी इस तरीके से प्रोटेक्शन करेंगे? मेरा सवाल आप सभी से ये है कि आज हमारा देश टॉप 5 देशों में आता है जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से सबसे बड़े हैं, और मुझे ये यकीन है कि ये कुछ टाइम बाद नंबर 1 देश भी बनेगा, लेकिन क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि जिस तरह की ये खौफनाक घटनाएं आजकल सामने आ रही है, हमारा देश आगे जाने की जगह उतना ही पीछे जाता जा रहा है? निश्चित तौर पर आपात की घटनाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था में हम और ऊपर चढ़ते चले जाए। मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी बनने की कगार पर हैं और हम 2047 तक पहली बनेंगे। बनना भी चाहिए, लेकिन युवाओं का जो मुद्दा रहता है, जो रेपिस्ट होते हैं, उनको क्यों नहीं दिलाया जाता इंसाफ? भाजपा में और आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, इसलिए बेटियों का दर्द, महिलाओं का दर्द भाजपा और आरएसएस में नहीं। क्या है आप बताइए ना, बीच में आज तक देखिए, अभी रेपिस्ट के बारे में बातें किया जा रहा है, ये अजमेर में घुसेड़ रहे हैं बीजेपी वाले। मोदी जी की तरह तो मत कहिए ना, मोदी जी क्या कहेंगे महिलाओं का सम्मान, खुद अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए हो तो बात करिए, महिलाओं की बात करिए, महिलाओं के लिए होना पड़ेगा, प्रधानमंत्री हो चाहे मेरी पार्टी का नेता, अगर मेरी पार्टी का भी नेता होगा तो मैं उसमें बात दीजिएगा। पूरे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों के मुंह में दही जम गया था, जिस दिन गांधी जी खेड़ा ने कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दफ्तर में बाहर से बंद कर दिया गया था, मुंह में दही जम गया था, राहुल गांधी से पूछा गया कि कोलकाता रेप पे आपका क्या कहना है, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे, मुझे रेप के सवाल पे राहुल गांधी पर डिस्ट्रैक्शन फील होता है, आपके मुंह में दही जम गया था, उस पर सवाल नहीं पूछते, मैं खड़ा हूँ हर पार्टी रेप के लिए लड़े, लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे तो सवाल पूछेंगे तो चुप हो जाते हैं। सवाल ये है कि इतनी जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जो सिंह बोले सबके बीच बोलेंगे, बुरा तो मुझे लगता ही है जब प्रवचन रमन्ना का जाके प्रचार करते हो, यही बोला प्रज्वल रमन्ना जो हमारा देवी गौड़ा का पोता है हमारा बेंगलोर में। एक मिनट सर, मेरा ये सवाल आपसे है कि मैं आपको एक करेक्शन देना चाहूंगा कि जो ये आरएसएस सिखाती है, आपने बोला कि महिलाओं का सम्मान ना करें, पर हमें आरएसएस में सिखाया जाता है कि आपकी इस देश की सभी बेटियां, सभी लड़कियां आपकी बहन बेटियां, ठीक है? मैं 15 साल से, मेरी उम्र 25 साल है, मैं 15 साल से आरएसएस में हूँ,
हम यही सिखाया जाते हैं, जितनी भी देश में बेटियां हैं आपकी बहन बेटियां हैं। आप क्या करते हैं? मैं नर्सिंग ट्यूटर। अच्छा, आप भी नर्सिंग ट्यूटर संघ से जुड़े हुए? हाँ जी। ठीक, देखिए सवाल है, जल्दी से कंक्लूडिंग सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, मणिपुर में घटना होती है, बेटियों के साथ अन्याय होता है, सरकार चुप बैठ जाती है। रमन्ना वहाँ जो है उसके प्रचार में जाएंगे, दो दो हजार वहाँ पे 2,500 बेटियों के प्रति उसका अन्याय हुआ, उस पर भी चुप बैठ जैसे आप कोलकाता पे अखिलेश यादव। नहीं, मैं कलकत्ता बोलता हूँ, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं कब चुप बैठा हूँ? धरिंदे को सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, सही बात, मिलना चाहिए धरिंदे, जो भी धरिंदे हो सबको सजा मिलना चाहिए। अखिलेश यादव का बयान क्या, उन्होंने क्या बोला? सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं पूछ रही हूं, सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं बयान पूछ रही हूं। नहीं, आप बताइए ना, सजा नहीं मिलनी चाहिए? सब बोला क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोले ही नहीं है, कुछ बोले ही नहीं। हल्ला मचा के बोला सजा मिलनी चाहिए, आप बोले ही नहीं। आप बोलेंगे तो बोलेंगे, प्रवक्ता नहीं बोला। पूरा डिबेट देख कर जाइए और हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मणिपुर की घटना यही तो दिक्कत है। अगर अखिलेश यादव ने नहीं बोला तो नहीं बोला। यादव जी ने बोला है, क्या बात कर रहे? नहीं बोला, उन्होंने बोला क्या बोला? मैं तो उसके घर सुना, मैं बोल रहा हूँ, ट्वीट किया है बलात्कार के मुद्दों पर। उन्होंने बोला ममता बनर्जी वहाँ चीफ मिनिस्टर है, एक महिला है, वही जिम्मेदारी उनकी बनती है। मुझे पूरा विश्वास है बच्ची के साथ न्याय दिलाएंगे, बोला उन्होंने। मणिपुर में भी न्याय, कश्मीर में भी न्याय, अयोध्या में भी न्याय, कन्नौज में भी न्याय। आपको क्या लगता है, जो रेपिस्ट है उसे सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो कमेंट में यस लिखें, और नहीं मिलना चाहिए।